हमें छुटकारा पाना चाहिए वो तीन जो जो है जहाँ भी आपको हमारे पुलिस को योर यू तो मगर अमिस गो हापन अमिसन चो क्या कान बेश घर मूद खानदार मूद मे पाई शमें पान सर मोज अहन बेचना पता पत पोज के मतलब सोस कार पन कर असल पे पोज के मेंटल तो अनसाउंडेड तो या मेंटल पागल पोज के सो शराब चे ना पता चल क्या बहुत गर मे पता बहुत कार कर लुख वनस अपी क्या मामला ना लको दी डोलमुत कम तक लको वो मेहन राख कार मोनमस कर्मस थप थप हम सीर हमदान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे इन लाशों को लाया गया, जब हमने देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि एक बेटे ने अपनी माँ को मारा है, एक बेटे ने अपने बाप को ऐसा जख्मी किया है, वो भी बाल बाल बच चुका है। इसके बगैर माँ को मारने के बगैर इसने और दो तीन बंदों को मारा है, जिनकी डेड बॉडीज हमारे यहाँ सीर अस्पताल में दो है और एक अनंतनाग में मर चुका है और एक ऑन द वे शायद उनको सिक्किम ले आ गया है। ये सुबह ही हमने जब सुना, हमारी सारी बस्ती खासकर सीर हमदान के सारे सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी के वॉलंटियर्स भी आ गए तो रोंगटे खड़े हो गए। ये ऐसे वाका हमारे दिन ब दिन हमारी इस सोसाइटी में जो हो रहे हैं, जवान भी परेशान है, माँ बाप भी परेशान है कि हम इस नासूर को ख़त्म कैसे करें। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी लोगों को सपोर्ट करे कि ऐसे वाका दोबारा ये रोनुमा न हो जाए। ये जो वाका हुआ है, कल से एक बच्चा, शायद हमने सुना है कि वो नंगा घूम फिर रहा था अश्वकाम की बस्ती में। गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कुछ किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं कुछ किया कि ऐसा वाका हुआ कि एक बच्चे ने अपनी माँ को मारा है डंडे से, या बाप को ज़ख्मी किया है, या 10-20 लोगों को उसने ज़ख्मी किया है। ऐसे वाका ना हो, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस ड्रग को ख़त्म करे। हमारे आने वाले छोटे बच्चों जिनके बैग में किताबें होनी चाहिए, उन बैगों में आज शराब हुआ करता है। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, मोदीबाना गुजारिश, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे इस नस्ल को बचाओ। जो आने वाला नस्ल जिनके हाथ में कलम और किताबें होनी चाहिए, उनके हाथ में आज ड्रग पकड़ा जाता। गवर्नमेंट हमें मदद करे और सिविल सोसाइटी भी इसके साथ साथ है। और आज का जो ये वाका हमें देखने में मिला यहाँ पर, सारा सारी बस्ती इस वक्त रंज गम में मुबतला है कि जब उसकी माँ को देखा जा रहा है कितने जख्म आए हैं, मार मार के उसने अपनी माँ को मारा है। ये वाका सिर्फ इसकी वजह एक ही है, ड्रग ड्रग एंड ड्रग। मेहरबानी करके इस ड्रग को ख़त्म किया जाए, ये हमारी तरफ से मोदीबाना गुजारिश है। बाकी शुक्रिया। मेरी भी इतला आई है, मतलब काम से मेरे मतलब जो सबॉर्डिनेटर्स है, एम एम फाउंड रेवन्यू डिपार्टमेंट, माई सबॉर्डिनेटर्स जस्ट कन्वेड मी अबाउट दिस तुरंत जायद अहमद कि रथलेस अर्ली इन द मॉर्निंग ही रथलेसली अटैक टू हिज फैमिली मेम्बर्स ऑन द स्पॉट, हिज मदर डाइड ऑन द स्पॉट
and other side. I think he ran away from his house and reached to the Ashmukam. On the way, the people came in the way, he attacked on them as well, and they all have been seriously injured. I came to know that there at least 3 have been died so far and 8 are injured. He lost his balance of control because I came to know that he is taking wine and other things, and he's a drug addict. Because of this, he controlled his loss of control, mental ability. थैंक यू। सुबह सवेरे बदकिस्मत हादसा हमारे गांव अशमुकाम में पेश आया, जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी हो गए और कुछ की हलाकत हो गई। जो ज़ख्मी उनको हमने मैनेज किया, और जो इसमें डेथ हो गई उनको भी हमने जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर दी। तो क्या कर? इसके डिफरेंट वर्जन आते हैं, अभी हम कारणों का देख रहे हैं कि ये किस वजह से हुआ है, उस पर हमें भी बात चल रही है, कार्रवाई चल रही है, जैसे हमें पता चलेगा आपको बताएंगे। तो हमारे डेथ है, हमारे पास जो है 3 डेड बॉडीज मौसूल हुए, उनका हमने बाजाब्ता तौर पर जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी कर दी। शुक्रिया।